हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिएटिव स्टडीज़। माय नेम इज़ गरिमा। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने कुछ टर्म्स करी थी नेशनल इनकम की, जिससे रिलेटेड प्रैक्टिकल्स हम लोग आज करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, और अगर किसी ने लास्ट वीडियो ना देखी हो तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप पहले वहाँ से थ्योरी कीजिएगा, उसके बाद आप यहाँ पे आके इस वीडियो में प्रैक्टिकल्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए देखिए, तो जो क्वेश्चन है हमारे पास वो कुछ इस तरीके से है कि हमें कैलकुलेट करना है एनएनपी एट एमपी, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हमें कैलकुलेट करना है, और हमारे पास ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो गिवन है। तो हम कैसे करेंगे? एनएनपी एट एमपी हमको निकालना है। हमारे पास एक टर्म है, वो क्या दे रखी है? जीडीपी एट एफसी। तो जीडीपी एट एफसी से कैसे हम एनएनपी एट एमपी कैलकुलेट करेंगे वो हमें देखना है। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था गोल्डन रूल्स जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे, उसका यूज़ हम आज कर सकते हैं इन प्रैक्टिकल्स में। जैसे कि ग्रॉस से नेट पे आने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रॉस से नेट पे आने के लिए हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। तो हमें ध्यान रखिए, हमें ये कैलकुलेट करना है, तो हमें इससे इस पे आना है। तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन। उसके बाद डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है हमको, तो डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए हम क्या करते हैं, डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए हम प्लस करते हैं NFIA। उसके बाद हमें क्या करना है कि जो FCA हमारा, यानी कि फैक्टर कॉस्ट या फैक्टर प्राइस, इससे हमें मार्केट प्राइस पे आना है। फैक्टर कॉस्ट से हमें मार्केट प्राइस पर आना है। तो फैक्टर कॉस्ट में जब एनआईटी ऐड होता है तो क्या होता है, उसका मार्केट प्राइस आ जाता है। क्या होता है, कैसे होता है, वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझा दिया था। तो हम प्लस करेंगे इसमें एनआईटी, तो ये हमें गिवन है सारी वैल्यूज़। तो हम क्या करेंगे, 4000 हमें गिवन है, इसमें माइनस होगा डेप्रिसिएशन 300 रुपीज़, प्लस होगा NFIA। अब NFIA क्या होता है, NFIA का मैंने आपको बताया था कि फ्रॉम माइनस टू करते हैं, फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो फ्रॉम से टू माइनस करते हैं, यानी कि 300 माइनस 200 मेरे पास कितना आ गया, 100 रुपीज़ आ गया। प्लस 100 करूँगी मैं NFIA में, और प्लस करना है मुझे NIT, विच मीन्स नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके क्या होते हैं, आपका फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, ये आपका NIT का फॉर्मूला होता है। तो 250 माइनस 150 कितना हो गया, ये भी आपका आ गया 100, ये भी आपका आ गया 100। तो आपकी क्या वैल्यू आ गई, आपकी आ गई 3900 करोड़। ये आपका आंसर आ गया करोड़। क्यों, ये सारी फिगर्स आपको क्रॉस में दी हुई हैं इसीलिए। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमें क्या निकालना है, जीडीपी एट एमपी निकालना है। तो हमें कैलकुलेट करना है जीडीपी एट एमपी, और क्या वैल्यू गिवन है हमारे पास, हमारे पास है एनएनपी एट एफसी। हम कैसे करेंगे, अब हमें नेट से ग्रॉस पे जाना है, यानी कि जो हमारे पास वैल्यू है उसमें से ऑलरेडी डेप्रिसिएशन माइनस हो चुका है, लेकिन हमें क्या करना होगा, वापस ऐड करना होगा। नेट से ग्रॉस पे जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं, पीछे क्या किया था, माइनस किया था पिछले क्वेश्चन पे, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि नेट से जा रहे हैं ग्रॉस पे। अब नेट से जा रहे हैं डोमेस्टिक पे, नेशनल से डोमेस्टिक पे जा रहे हैं, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाते हैं तो क्या करते हैं, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाते हैं तो हम NFIA को माइनस करते हैं, माइनस NFIA, और अगेन फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है। ये हमने अभी पीछे ही किया था, तो हमने क्या करते हैं, हम इसमें
हम करते हैं इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड। तो ये हमारे पास हम देख लेंगे क्या आया, ये हमें कितना गिवन है, ये हमें गिवन है 3000, डेप्रिसिएशन हमें दिया है 200 रुपीज़, NFIA देख लीजिए। अच्छा NFIA क्या ये होगा? नहीं, ध्यान से देखिए, आपको जो चाहिए सॉल्व करने के लिए वो ऑलरेडी गिवन है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऑलरेडी गिवन है 200 रुपीज़। तो क्या हम इसमें से इसको माइनस करेंगे? नहीं, हमें जो चाहिए था वो तो गिवन ही है, इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो इसीलिए मेरा NFIA हो गया 200। अब NIT देखना है, NIT क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। सो 400 माइनस 100 कितना आ गया मेरा? 300। तो ये मेरा कितना हो गया? 3300 करोड़। ये आपका आंसर हो गया। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है GDP एट MP और हमें गिवन है NNP एट FC। हमें इससे निकालना है, अगेन नेट से ग्रॉस पे आना है। तो क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन को हम ऐड करेंगे। नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो हम क्या करेंगे? NFIA को माइनस करेंगे। और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे किसे? NIT को। यही करेंगे हम। तो अब आप जैसे कि आप देख सकते हैं, क्या हो जाएगा मेरा NNP एट FC कितना हो जाएगा? 2000 हमें गिवन है, डेप्रिसिएशन 200 हमें गिवन है, NFIA देख लेते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यानी कि 110 माइनस 50 कितना हो गया आपका? ये आपका हो गया 60। ठीक है, और ये आपका कितना हो गया? NIT 180 माइनस 70 110 यहाँ पे हो जाएगा आपका ऐड। तो ये आपका आंसर आ गया 2250 करोड़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब मेरे पास क्या है? मेरे पास है GNP एट MP और मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है NDP एट FC। तो ग्रॉस से नेट पे जाएंगे, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या करेंगे हम? माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन को। अब नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए क्या करते हैं? माइनस करते हैं NFIA को। उसके MP से FC पे जाना है तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे NIT को। अब आप देखिए, GNP एट MP हमको क्या दिया गया है? ये हमें दिया गया 6000, इसमें से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन जो कि 100 रुपीज़ गिवन है। NFIA की अगर हम बात करें फैक्टर, तो इसमें हमें क्या दे रखा है? फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड दे रखा है 400, लेकिन हमें फैक्टर इनकम पेड टू नॉन रेजिडेंट्स नहीं दिया हुआ है, यानी कि हमें जो इसमें से माइनस करते थे जिस वैल्यू को, वो हमें नहीं दी गई है। तो हम ये अज्यूम कर लेंगे कि ये वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो ये ज़ीरो है और यही हमारा नेट वैल्यू है। तो नेट वैल्यू कितनी हो गई? 400 माइनस NIT जो कि कितना हो गया? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज 100 रुपीज़। तो माइनस कर देंगे हम इसमें से 100 और हमारा कितना आ जाएगा? ये
ये आ जाएगा 5,400 करोड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है जीएनपी एट एफसी और हमें गिवन है एनडीपी एट एमपी। नेट से ग्रॉस पे, तो इसका मतलब प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल पे, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे एनएफआईए को। अब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जा रहे हैं तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे एनआईटी। तो हमें ये कितनी गिवन है वैल्यू, ये हमें वैल्यू गिवन है 25,000 प्लस डेप्रिसिएशन जो कि 5,000 गिवन है, प्लस करेंगे एनएफआईए, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम टू अब्रॉड 400 माइनस 600, तो ये माइनस 200 आ गया। ध्यान दीजिएगा माइनस 200 आया है। माइनस 200 का मतलब है कि मैं यहाँ पे जो वैल्यू लिखूंगी ये लिखूंगी माइनस 200। अब मुझे क्या करना है, मुझे एनआईटी माइनस एनआईटी इसमें से माइनस करना है। मुझे इनडायरेक्ट टैक्सेस तो दिया ही नहीं है, सिर्फ सब्सिडीज दिया है। मैं मान लूंगी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस है ही नहीं, इनडायरेक्ट टैक्सेस ज़ीरो है। तो एनआईटी क्या होता था मेरा, मेरा एनआईटी होता था इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर ज़ीरो है, सब्सिडीज 30 है, तो ज़ीरो माइनस 30 माइनस 30 आ गया। अब माइनस 30 लिखेंगे हम यहाँ पे, तो माइनस करके मुझे कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा ये। तो ये क्या वैल्यू आ रही है आपकी, ये आपका आ रहा है, ये आपका आ रहा है 25,000 प्लस 5,000 माइनस 200 और प्लस 30। क्यों माइनस, माइनस का साइन प्लस होता है, तो ये हो गया प्लस 30। तो आपका इसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा 29,830 करोड़। ये आपका इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें कंसम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कैलकुलेट करना है, यानी कि ये हमसे पूछ रहे हैं कि डेप्रिसिएशन क्या होगा। तो हमें ये कुछ वैल्यूज हैं जो गिवन हैं, इनमें से हम एक इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे ना, उसके थ्रू हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए हम लिखते हैं, हमें क्या क्या गिवन है। हमें है एनएनपी एससी है हमारे पास इज इक्वल टू जीडीपी एट एमपी। आप इसे यहाँ लिख सकते हैं, इसे यहाँ लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेसिकली आपको एक इक्वेशन बनानी है जिससे कि आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकें। तो हम क्या करेंगे, अब ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हमें माइनस करना होगा डेप्रिसिएशन, और हमें क्या करना होगा, और हमें प्लस करना होगा डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए एनएफआईए, और एमपी से एफसी पे जाने के लिए हमें माइनस करना होगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब इसमें से क्या क्या वैल्यूज़ हमारे पास हैं, सब वैल्यूज़ हमारे पास हैं। हमारे पास है ये 4,000 हो गया, ये हो गया 5,000, और डेप्रिसिएशन हमें नहीं है गिवन, और एनएफआईए हमारे पास है 110 गिवन है माइनस। ये सब्सिडीज़ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, जब आपके पास ऑलरेडी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं क्वेश्चन में, तो हम सब्सिडीज़ का कुछ नहीं करेंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आ गया आपका 180 रुपीज़। तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा डेप्रिसिएशन क्या आएगा, हमारा डेप्रिसिएशन आएगा 930 करोड़। चलिए आगे चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये बाकी क्वेश्चंस की तरह ही है, बस इसमें एक दो चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी। वो ये है, सबसे पहले तो कि डेप्रिसिएशन देखिए यहाँ पे आपको परसेंटेज में दिया गया है, तो परसेंटेज में आपके पास डेप्रिसिएशन है, तो आप कैपिटल स्टॉक भी गिवन है, तो आप डेप्रिसिएशन एब्सोल्यूट टर्म्स में निकाल देंगे। तो डेप्रिसिएशन क्या होगा, आपका डेप्रिसिएशन होगा 10%
ऑफ 4000 जो कि क्या हो जाएगा आपका 400, तो ये आपका डेप्रिसिएशन आ गया। बाकी इस क्वेश्चन में एक और चीज़ है, वो ये है कि जैसे कि आपको जी एन पी एट एफ सी कैलकुलेट करना है और आपके पास एन एन पी एट एम पी ऑलरेडी गिवन है, तो ये गिवन है आपके पास, तो आप क्या करेंगे, नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए आप प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन, ठीक है। नेशनल से नेशनल, तो जब ये नेशनल कॉमन है दोनों में, यानी कि ये भी एक नेशनल प्रोडक्ट है और ये भी नेशनल प्रोडक्ट है, तो हम एन एफ आई ए का कोई यूज़ नहीं करेंगे, कोई यूज़ नहीं होगा, बस क्या होगा कि मार्केट प्राइस से, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो माइनस हो जाएगा एन आई टी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब आप इसको इसमें वैल्यूज पुट कीजिए और आप जी एन पी एट एफ सी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका आंसर मैं आप लोगों को बता देती हूँ एक बारी, ताकि आप लोग बाद में चेक कर सकें सॉल्व करके कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका 4770 करोड़। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे ऐसे ही आपको एनआईटी कैलकुलेट करना है जैसे कि आपने पिछले से पिछले क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था। तो यूजिंग दीज टू एग्रीगेट्स वी हैव टू फॉर्म अ इक्वेशन, इन दो एग्रीगेट्स को यूज़ करके हमें एक इक्वेशन बनानी है जिससे कि हम लोग एनआईटी जो है उसे कैलकुलेट कर सके। अब ये सब एनएफआईए गिवन है, सब्सिडीज गिवन है, ये सब गिवन है हमारे पास। तो चलिए हम एक इक्वेशन बनाते हैं। तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, जी एन पी एट एम पी इज इक्वल टू एन डी पी एट एफ सी। नेट से ग्रॉस पे गए तो क्या करेंगे, प्लस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल पे आए तो प्लस एन एफ आई ए, और एफ सी से एम पी पे आए, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आए तो क्या करेंगे, तो हम इसमें प्लस करेंगे एन आई टी। अब आगे देखते हैं आगे क्या होगा। ये सब वैल्यूज़ हमें गिवन हैं, ये कितना गिवन है हमें 7000, ये 6200, डेप्रिसिएशन है हमारा 600, एन एफ आई ए हमारा माइनस में है, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे। और एन आई टी हमें गिवन नहीं है, एन आई टी तो हमें कैलकुलेट करना है, तो एन आई टी को ऐसे ही रख देते हैं हम। और जब हम ये कैलकुलेट करेंगे सारा, तो कैलकुलेट करके जो मेरा एन आई टी है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 7000 - 6400 इज इक्वल टू 600। तो 600 करोड़ जो है आप मेरा एन आई टी आ गया। तो ये एन आई टी है, अगर इन केस मुझसे इनडायरेक्ट टैक्सेस पूछा होता, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस भी आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में नहीं है, तो अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस पूछा होता तो जो मेरे पास इक्वेशन है एन आई टी इज इक्वल टू आई टी माइनस एस, मैं इसमें सारी वैल्यूज डालती, एन आई टी 600 जो कि मैंने अभी कैलकुलेट किया है, आई टी जो कि मुझे कैलकुलेट करना है, सब्सिडीज जो कि मुझे यहाँ पे गिवन है 20, तो आई टी मेरा क्या हो जाता, आई टी हो जाता मेरा 620 करोड़। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में सिर्फ आपसे एन आई टी पूछा गया है, तो आप यहीं तक इसको सॉल्व करेंगे। बाकी एक चीज़ और, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपको माइनस 400 दिया है, तो आपको इसकी वैल्यू हमेशा माइनस 400 ही डालनी है। इस केस में तो आप प्लस एन एफ आई ए कर रहे थे, हो सकता है कि किसी इक्वेशन में ये माइनस एन एफ आई ए होता, माइनस एन एफ आई ए होता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको माइनस 400 लिख दोगे, नहीं, आप इसको क्या लिखोगे, आप इसको लिखोगे माइनस बाहर होगा, फिर माइनस अंदर, एंड देन 400, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फिर से आ जाएगा 400।
तो ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे इन केस NFIA के बाहर नेगेटिव साइन हो हमारी इक्वेशन में जो कि हमने बनाई है। आगे चलते हैं। अब आप इस क्वेश्चन में देखिए, ये एक फुल फ्लेज क्वेश्चन है, इसमें आपको बहुत सारी वैल्यूज़ निकालनी है और काफ़ी सारी वैल्यूज़ आपको गिवन भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है डेप्रिसिएशन। तो चलिए, मैंने गोल्डन रूल्स में आपको डेप्रिसिएशन का एक फॉर्मूला बताया था कि डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस नेट। डेप्रिसिएशन कैसे निकलते हैं? ग्रॉस माइनस नेट करके। तो ऐसी दो एग्रीगेट्स देखते हैं जिनमें सिर्फ ग्रॉस और नेट का डिफरेंस हो, बाकी वो दोनों एग्रीगेट्स बिल्कुल सेम हो, दोनों ही नेशनल प्रोडक्ट हो और दोनों ही सेम कॉस्ट पे हो, या तो फैक्टर कॉस्ट पे हो या फिर मार्केट प्राइस पर हो। तो ऐसे दो कौन से हैं? ऐसे दो में हमारे पास सबसे पहले तो है NNP@MP एंड GNP@MP, यानी कि ये दोनों। तो इन दोनों में ग्रॉस वैल्यू कौन सी है? इनमें ग्रॉस वैल्यू है 107,000 माइनस 1,00,000, जो कि मेरे पास आ जाएगा 7,000। तो ये आ गया मेरा 7,000 crores डेप्रिसिएशन आ गया मेरा। अब मैंने ये दोनों वैल्यूज ही क्यों ली? क्योंकि आप देख सकते हैं कि दोनों ही नेशनल प्रोडक्ट है N, दोनों ही मार्केट प्राइस पर हैं, बिल्कुल ठीक है, और दोनों में सिर्फ नेट और ग्रॉस का फ़र्क है, इसीलिए मैंने ये वाली इक्वेशन बनाई है। चलिए, इसके बाद हम लोग सब्सिडीज़ कैलकुलेट करना है, लेकिन बिना NIT कैलकुलेट करें हम सब्सिडीज़ कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए पहले हम NIT कैलकुलेट कर लेते हैं। NIT कब ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है? जब दो एग्रीगेट्स सेम हो लेकिन एक हमारा फैक्टर कॉस्ट पे हो और एक हमारा मार्केट प्राइस पे हो। तो ऐसे दो कौन से हैं? ऐसे दो में हमारे पास है एक तो GNP@MP, यानी कि एक तो ये वाली वैल्यू, और एक है हमारे पास GNP@FC। तो ये बेसिकली मैं कर क्या रही हूँ? अगर मैं इन दोनों वैल्यूज़ को ले लूँ, यानी कि GNP@FC और GNP@MP, तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए हम क्या करते हैं? हम माइनस करते हैं NIT को। अब मेरे पास ये सारी वैल्यूज़ अगर गिवन हैं, NIT कैलकुलेट कर सकती हूँ? कर सकती हूँ। तो NIT मेरा क्या हो गया? NIT मेरा हो गया, ये सब वैल्यूज़ डालकर, 107,000 में से मैंने माइनस किया है 95,000, और जो मेरा आंसर आया है वो आया है 12,000, यानी कि 12,000 मेरा क्या आ गया? NIT 12,000। ठीक है, अब सब्सिडीज़ कैलकुलेट करते हैं। तो सब्सिडीज़ के लिए NIT किसके इक्वल होता है? IT माइनस सब्सिडीज। NIT कैलकुलेट कर लिया मैंने, 12,000 है। इनडायरेक्ट टैक्सेस मुझे गिवन है, 14,000 है, और सब्सिडीज़ मुझे निकालनी है। तो चलिए, सब्सिडीज़ मेरी कितनी आ गई? सब्सिडीज़ आ गई 2,000। तो ये भी कैलकुलेट कर लिया हमने, 2,000 आ गया। अब आ गए NFIA पर। NFIA कब ऐड या माइनस करते हैं? NFIA तब ऐड और माइनस करते हैं जब एक मेरा जो एग्रीगेट है वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो और दूसरा मेरा नेशनल प्रोडक्ट हो। तो ऐसे कौन से दो हैं जो एक डोमेस्टिक हो और एक नेशनल हो? वो हैं ये दोनों। तो मैं क्या करूँगी, मैं एक इक्वेशन बनाने की कोशिश करती हूँ इन दोनों को लेके। NNP@MP इज इक्वल टू NDP@MP प्लस NFIA। ये मैंने इक्वेशन बना ली, और इस इक्वेशन में जब मैं वैल्यूज़ डालूँगी तो जो मेरा
जो मेरा NFIA है वो क्या आएगा, वो आएगा 1 लाख माइनस 1,02,000, तो ये मेरा कितना आ रहा है, -200। ठीक है, मेरा NFIA आ गया -200। ये सब करोड़ में आई है आपकी वैल्यू, यहाँ पे करोड़ होगा आपका क्वेश्चन में, तो ये आ गया। अब इसके बाद मुझे क्या कैलकुलेट करना है, इसके बाद मुझे कैलकुलेट करना है NDP, सॉरी फ्रेंड्स ये है NDP at FC, तो आपको NDP at FC कैलकुलेट करना है। तो NDP at FC कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, हमें चाहिए NDP at FC, इसकी नियरेस्ट वैल्यू यहाँ पे कौन सी गिवन है NDP at FC की, NDP at MP, इसी को ले लेते हैं। तो NDP at MP, सिर्फ यही डिफरेंस है कि ये FC पे है और ये MP पे है, तो इस डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, -NIT करेंगे, क्योंकि मैं MP से किस पे जा रही हूँ, फैक्टर कॉस्ट पे जा रही हूँ। तो NDP at MP था मेरा 1,02,000 और उसमें से मैंने माइनस कर दिया 12,000, तो मेरा आ गया 88,200। तो ये वैल्यूज़ मैंने कैलकुलेट कर ली हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, आज हमने कुछ प्रैक्टिकल्स कर लिए जो कि हमने थ्योरी पिछली क्लास में करी थी उनसे रिलेटेड, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और कंसेप्ट्स करेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग क्रिएटिव स्टडीज़ एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।